वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है आपका, जो कि आपका प्ले स्टोर, एप्पल और स्मार्ट टीवी पे आपको मिलेगा। और हमारा वेब सीरीज, फिल्म और शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, इनके अलावा भी हम लोग कुछ रियलिटी शोज लेके आ रहे हैं, जिनमें से एक है आपका मिस्टर एंड मिस इंडिया। इसमें से खासियत क्या है, अभी तक आप लोग जो कंटेंट होते हुए आ रहे हैं मिस्टर मिस इंडिया, नॉर्मल ब्यूटी पेजेंट होते हैं, ऑडिशंस होते हैं और फिनाले हो जाता है। हमारा एक रियलिटी शो है जिसके आपके करीब 25 सिटीज में ऑडिशन होंगे। ऑडिशन लेने होने के बाद में ये एक 30 मिनट का एपिसोडिक रहेगा, जो कि हर गुरुवार को टेलीकास्ट होगा रात को 9 बजे, है ना। तो उसका जो ऑडिशन जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा अलग रखा हुआ है हम लोगों ने। अभी कोविड का टाइम है, तो कोविड का टाइम में क्या है, कभी पता नहीं कब लॉकडाउन लग जाए। तो इसके लिए एप्लीकेशन के अंदर क्या है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ अपना फॉर्म सबमिट कीजिए, आपके पास में एक ओटीपी आएगा, ओटीपी वहाँ सबमिट करेंगे आप तो आपके पास आपका एक नंबर मिल जाएगा। उससे आपको अपना कोई भी एक मिनट का अपने एक ऑडिशन वीडियो बना के वहाँ सबमिट कर सकते हैं। वो हमारी क्रिएटिव टीम रहेगी, उनके पास पहुँचेगा, उसके आधार पर ये ऑडिशन का हो गया। और इसका जो फिनाले है बॉम्बे में ही होगा, जनवरी फर्स्ट वीक। तो ये भी चलेगा, ये कॉन्सेप्ट आया कैसे और आपका प्रोफाइल बेसिकली क्या है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कब से नाता है? सर मुझे आपका 7-8 साल हो गए, अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म की थी बिकरू कानपुर गैंगस्टर, है ना। तो किसी वजह से आपको पता है विकास दुबे की स्टोरी थी वो, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ उसकी जो वाइफ थी वहाँ उधर साइड से, तो अभी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए, फिल्म भी मेरी रिलीजिंग पर है। इसके अलावा मेरे कुछ टीवी सीरियल्स वगैरह हैं, आपका क्राइम अलर्ट वगैरह ये किए हुए हैं एज एन डायरेक्टर, कुछ शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, मेरे वीडियो सॉन्ग्स वगैरह है मार्केट में है। सर ये विचार है उनका विकास दुबे पे फिल्म बनाने की सोची, बहुत बड़ा रिस्क है, कह सकते हैं। सर एक कहावत है, डर के आगे जीत है, और मैंने कुछ गुनाह तो नहीं किया भाई, एक अपराधी था उसको लेकर हम लोगों ने फिल्म बनाई। बहुत सारी मुश्किलें भी आई, शूटिंग कर रहा था, शूटिंग के टाइम पे काफ़ी दिक्कत आई थी मुझे आप तो, लेकिन फिर भी मूवी कंप्लीट की। एक केस वगैरह भी हुआ था हम लोगों पे, मेरा जो एडवोकेट था, हम लोगों ने फाइट की, उस केस को हम लोग जीते और फिल्म अब रेडी है रिलीज होने के लिए। मैं अपने कलाकारों के लिए, अपनी कला क्षेत्र के लिए, तो ये तो अच्छी खुशी की बात है कि नित नए प्लेटफॉर्म बने, ओटीटी प्लेटफॉर्म बने, नए नए प्रोडक्शन खुले, नए नए चैनल्स आए, तो कलाकारों को और टेक्नीशियंस को और तमाम लोगों को अच्छा काम करने का, क्रिएटिव काम करने का मौका मिले, तो बहुत खुशी की बात है। मैं इसके लिए पूरी टीम को बधाई देता हूँ। ब्रेव डायरेक्टर हैं, जिन्होंने विकास दुबे पे फिल्म बनाने की को सोची, बनाई भी और केस भी जीता, अगर कोई ऑब्स्टिकल है उसको फेस करके करना, बहुत बड़ी बात है ये। मतलब ये अपने आप में ऐसे ब्रेव लोगों को सलाम करना चाहिए कि अपने काम में ऐसे ही ईमानदार हो, ऐसे ही ब्रेव होना चाहिए कि भैया हम अपने काम को, अपनी चीज़ों को ऐसे ही पेश करेंगे, चाहे हमें किसी तरह से कोई भी
दिक्कतें आए, तकलीफ आए, उसको भी हम फेस करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बधाई के पात्र हैं। ज्यादा आप हैं जो आप तो काफी समय से इंडस्ट्री में हैं, आप भी देख रहे हैं कि आजकल के दौर में इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है, क्या कहने का जो कॉन्सेप्ट है नीरज भाई का मिशन मिस इंडिया और आपका रॉ टैलेंट, कितना ज्यादा आपको लगता है आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे? ऐसे कॉन्सेप्ट ही आगे बढ़ते हैं और बढ़ते रहेंगे। और मैं नीरज जी का तो वैसे ही फैन हूँ कि नीरज जी ने स्टोरी स्क्रीन पर एक फिल्म की थी नील भट्टा सन्नाटा, और अभी आने वाले वक्त में जो फिल्म वो डायरेक्ट करने जा रहे, तो मुझे भी बहुत अच्छा रोल दे रहे, और बहुत खुशी की बात है कि उसके साथ साथ में इन्होंने OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, और हम कलाकार टेक्नीशियन के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप ये OTT प्लेटफॉर्म और ये जो कॉन्सेप्ट है जैसे रील्स का हो गया कॉन्सेप्ट या ये सब जो शॉर्ट फॉर्मेट है, कितना ज़्यादा मानते हैं कि कलाकार को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है? ये सारी चीज़ें आज आम इंसानों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो बड़े आसान तरीके से सिनेमा में आ रहे हैं और लोगों तक पहुँच रहे, तो आई होप ऐसा, और ये बहुत अच्छे मुकाम में पहुँचेगा, मेरे दिल से दुआ है। अजय जी आपसे क्या कहते हैं? जो नीरज जी ने ये बहुत अच्छा काम किया है, जो नए कलाकार को प्रोत्साहन मिलता है, लोग घर पे बैठ के ऑडिशन दे सकते, सिलेक्ट हो सकते, जो लॉकडाउन के वजह से नहीं निकल सकते उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मैं इनको ऑल द बेस्ट कि ये हमेशा सक्सेस होवे, और इनका जो मेहनत है और इन्होंने जो विकास दुबे पे जैसे फिल्म बनाई, जो मेहनत की उसमें वो सक्सेस होवे, बहुत अच्छी बात है, नए लोगों को चांस मिलता है, ऑल द बेस्ट। नीरज जी जानो क्या रहेगा जेंडर के बारे में बताइए, मतलब एज के बारे में सब कुछ बताइए, और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से एसोसिएशन रहेगा सर कोई ऐसा? सर बॉलीवुड से रहेंगे लेकिन मैं अभी कुछ ओपन नहीं करूंगा, अभी एक मैं इसका जो फर्स्ट ऑडिशन रहेगा मेरा, तो उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और करूंगा, वहां सारा मैं जो फाइनल करूंगा। और रही जेंडर की बात, तो इसमें आपका 17 से लेके 27 तक हम लोगों ने ये एज का रखा हुआ है, जेंडर मेल फीमेल दोनों। इसके अलावा और क्या आप कंटेंट डालने वाले हैं, बेसिकली क्या कंटेंट आप पेपर सर? मैं बोल रहा हूँ ना, रियलिटी शो हम लोग लेके चलेंगे ही इस पे। ये अपना जो फिल्म हो गया, वेब सीरीज हो गया, इसके अलावा दूसरी चीज हमारे OTT पे आपको एडल्ट नहीं मिलेगा देखने के लिए, एडल्ट से हम लोग बहुत दूर रहेंगे। तालियां, यही चाहिए। आज OTT के नाम पे लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और वो डर खत्म करने की बारी आ गई है, और ऐसे में हमारे दोस्त ऐसी पहल कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बधाई की बात है। सर अभी मेरा फर्स्ट टाइम ये OTT लॉन्च हो रहा है, अभी तक तो मैंने काम किया है लोगों के लिए, काम किया है, फर्स्ट टाइम हम अपने चैनल के लिए काम करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है एक्साइटमेंट तो बहुत है। और ये रियलिटी शो है, अभी तक इस तरीके का रियलिटी शो जो हम करने जा रहे हैं, इस तरीके का रियलिटी शो किसी OTT चैनल पे नहीं आ रहा है। चैनल्स पे तो आ रहा है, सैटेलाइट चैनल्स पे, बस OTT पे नहीं आ रहा है ऐसा कोई शो। तो हम लोग जो इसको लेके जा रहे हैं, और जो इसका क्रेज़ है अभी मॉडलिंग का जो क्रेज़ है वो ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा है। मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ, तो मैं लखनऊ में इवेंट्स पहले कराती थी, मैंने बहुत सारी वहाँ पर एज अ लाइन प्रोड्यूसर बहुत सारी मूवीज़ वगैरह की हैं, तो वहाँ पर जो क्रेज़ मैंने देखा मॉडलिंग का, फैशन शो का, उसका बहुत अच्छा क्रेज़ है। और मुझे लगता है कि जब हम ये इवेंट लेके आएंगे, रियलिटी शो लेके आएंगे, जब इसका फिनाले हम मुंबई में करेंगे, तो एक अलग ही एक प्लेटफॉर्म मिलेगा लोगों को, मॉडल्स को, क्योंकि जनरली क्या होता है, मॉडल्स क्या होता है, वो इवेंट करते हैं, फैशन शोज कर रहे हैं, और वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, उसी शहर में रह के ख़त्म हो जाते हैं। तो उनको एक हम वाइड एंगल दे रहे हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिससे वो भी ग्रो कर सकते हैं अब लाइफ में। तो पूरा एक बताइए टीम जो आपका है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, शुरुआत कब करने वाले हैं, और जो फाइनल फिनाले होगा? जी जी, फिनाले हम मुंबई में करेंगे, ठीक है। जो फिनाले के लिए भी बड़े चेहरे हैं उसको हम रिवील करेंगे 15 दिन के पहले, जो इवेंट हमारा जनवरी में होगा उसके 15 दिन पहले हम उसको रिवील करेंगे फेस को। और हमारी टीम एक ह्यूज टीम है हमारी, और काम कर रही है, क्योंकि हम लोग 25 सिटीज़ में ऑडिशन कर रहे हैं, तो हर सिटीज़ में पूरी टीम का जाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने एक सेगमेंट डिसाइड कर दिया है कि हाँ इस फील्ड में इस जगह पर ये लोग जाएंगे, तो हम लोग विद इन अ वीक हमारी टीम यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और जहाँ पे जितना हमारा मैक्सिमम जो जिसकी जहाँ पे अच्छी पकड़ है वो वहाँ पे जाके ऑडिशंस लेंगे। सर आपने जब आपका एसोसिएशन और ये जो कॉन्सेप्ट इसके बताइए कितने सर आप इसका एक MD भी है क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, नीरज जी को मैं पिछले एक साल से जानता हूँ, रिसेंटली मैं ज्वाइन हुआ हूँ इसमें, तो इतना डीपली मुझे नहीं पता सर का कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। भाई एक OTT आ रहा है, आज की डेट में मैंने भी OTT डाउनलोड कर रखे 3-4, तो हर इंसान या आजकल जो गांव में चल रहा है कि भाई डाटा फ्री है, लोग मोबाइल पे देखते हैं, टीवी मुश्किल देखते हैं लोग, तो ये बेस्ट है कि भाई सब, मैं भी एक्टर हूँ एज एन एक्टर,
अच्छा काम मिलेगा सभी को करने के लिए, क्योंकि हम भी काफ़ी घूमे हैं, ये सभी के लिए बेस्ट है। सर आपने इंट्रोडक्शन परिचय दिया अपना, जी हाँ, मेरा नाम महिपाल सिंह परिहार है। बेसिकली मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूँ और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम बुंदेलखंड में वेब सीरीज़ लेके आ रहे हैं और वहाँ की जो व्यथाएँ हैं, वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ का जो पहनावा है, यहाँ की जो विशेषताएँ, हम बुंदेलखंड को लेके आ रहे हैं इस चैनल पे। हम और हमारे डायरेक्टर राम तिवारी जी दोनों जन इस वेब जो हमारा इनका पोर्टल रहेगा वेब सीरीज़ उसके जरिए, और मैक्सिमम जो बुंदेलखंड में और कुछ है बेसिकली, तो फिलहाल हम सिर्फ अपने टेरिटरी से, एक्चुअली जो जहाँ जहाँ से है वहाँ वहाँ के चीजों को कवर करेगा ना, आप बुंदेलखंड से कंटेंट्स, शॉर्ट फिल्म्स जी, वेब सीरीज और वहाँ के जो लोकल के जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं उनको लेके आ रहे हैं। सुनिए सर, आप खुद प्रोड्यूसर है, मतलब अभी प्रोड्यूसर जो फिल्म उसके बारे में कि प्रोड्यूसर बनना कितना मुश्किल है, और इनको बताइए, श्रद्धा जी को, नीरज जी को बताइए कि क्या करना चाहेंगे आप। बहुत सराहनीय कदम है क्योंकि सचमुच कोई चीज बनाना चाहे OTT प्लेटफॉर्म हो, चाहे फिल्म बनाना हो, चाहे कोई भी क्रिएटिव काम करना हो, उसके लिए बहुत टीम की ज़रूरत पड़ती है, बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, बहुत समय देना पड़ता है, बहुत पैसा लगता है। तो ये चारों चीज़ों के लिए सक्षम लोग हैं ये, और मैं बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छी टीम कोलैबोरेट हुई है, और जब सब लोग अच्छे मिल जाते हैं तो उस चीज़ को सक्सेस भगवान देता ही है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ सक्सेस होगी। ऑल द बेस्ट। सुनील पाल जी, आप हमेशा से नए लोगों को प्रोत्साहन करते, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? बिल्कुल, नए लोगों के पास में ही नयापन होता है। पुराने लोग तो हमारी जड़ें हैं, पुराने लोग तो हमारे गुरु हैं, माँ गुरु हैं, हमारे क्लू स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे सीख सकते हैं बहुत कुछ। लेकिन नए लोगों के पास नया कंटेंट होता है, नई बातें होती है, और नई जगह से आते हैं, नए पहनावे, नए कपड़े, नई बातें, नया स्लैंग्स, नई स्टाइल होता है उनके पास में। तो नए लोगों को तो ऑलवेज बॉलीवुड ने हमेशा, बॉलीवुड ही नहीं हर क्षेत्र में उनका स्वागत है, करना ही चाहिए। जैसे अभी हमारी जो फिल्म आई लॉकडाउन टू अनलॉक, ये इसमें बहुत सारे नए लोगों को भी, खासकर हमारी जो हीरोइन है वो भी नहीं है, OTT प्लेटफॉर्म पर इसको स्ट्रीमिंग किया जा रहा है शिमा रोमी पर। तो मैं उसी को मैं समझ सकता हूँ कि ये आजकल बहुत अच्छी बात हो गई है कि OTT अब हर तबके के प्रोड्यूसर्स को हेल्प कर रही है। अगर आप बजट में फिल्म बना रहे हैं, रीजनल फिल्म बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, और आपके पास में वो पहुँच नहीं है कि आप करोड़ों की या अरबों के या बड़े स्टारों के साथ में समय दे सको या काम कर सको, तो आपके लिए एक नए ऐसे प्लेटफॉर्म भी होने चाहिए जहाँ पर कंटेंट की वैल्यू हो, और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के लिए मेरे इस टीम को बहुत बधाई। थैंक्स फॉर वाचिंग। श्रद्धा जी का इसका जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट क्या होगा वो थोड़ा सा अगर आप फ्री होगा सूरत में? देखिए, अभी जो ऑडिशन हम ले रहे हैं, ऑडिशन तो हमारा टोटल फ्री है, उसमें हमने कोई चार्जेस नहीं रखे हैं। ऑडिशन के टाइम में जो हमारा डाउनलोडिंग होगा उसके अभी हम मिनिमम चार्जेस रख रहे हैं, 100 रुपीज़ पर मंथ। जो हमारा ऑडिशन जब कंप्लीट हो जाएगा, ऑडिशन के बाद जब हम फिनाले में आएंगे, जब वोटिंग वाला चार्जेस होगा, तो वो हमारे फिर चार्जेस कम हो जाएंगे, 30 रुपीज़ 15 रुपीज़ पर मंथ अकॉर्डिंग टू दिस, उसके अकॉर्डिंग फिर देखेंगे। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे आज के दिन? सुनील पाल जी, कई सारे बड़े एक्टर यहाँ पर पहुँचे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सबको, सुनील जी को, जावेद जी आए, उनको, पूरी टीम को। तो इन्होंने आके एक, हम लोग तो काफ़ी टाइम से इनको देखते आ रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है इन, तो यहाँ पर आके देखिए, आत्मविश्वास से और ज़्यादा बढ़ गया हम लोगों का, कुछ अच्छा कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं टेक्नीशियन ही अच्छी हूँ, मैं बहुत कैमरा शाही हूँ, तो मैं कभी नहीं, फ्रंट कैमरा तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। डेफिनेटली चलेगा, क्योंकि कंसेप्ट बहुत अलग है, और हमारे, और सबसे अच्छी बात है कि हमारे साथ टीम ऐसी जुड़ी हुई है जो बहुत ही इनोवेटिव है, और हमारे पास बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो OTT है वो बूम करेगा ही करेगा। मैम, आपकी टीम में कितने लोग हैं? मेरी टीम में अभी इस टाइम पे 21 लोग हैं, फिर धीरे धीरे वो तो वास्ट बढ़ता ही जाता है। सुनील पाल जी, क्या आप कोई वीडियो कॉमेडी शो इस OTT प्लेटफॉर्म पर आप अपना लाइक करा पाएंगे? बिल्कुल लाएंगे, अगर ऐसा कुछ इत्तेफाक बनता है और कोई ऐसी बात बनती है तो हम तो सभी लोगों को एक अच्छे कंटेंट की, अच्छे साथी की, अच्छी कंपनी की जरूरत है, और ऐसा कोई इत्तेफाक बनता है, सौभाग्य बनता है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सुनील जी अगर साथ देंगे तो हम बुंदेली में कॉमेडी शो सुनील जी के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे लेकर।
अरे हमारा तो जन्म जेई के लाने भाव है, मेरे दोनों कसम नहीं है, बुंदेली के काम कर रहे हैं, कुछ कम्प्लीट है, कुछ की राइटिंग चल रही है जी। अब जब हमारे दोस्त हैं श्रद्धा नीरज, इनका अपना प्लेटफॉर्म है, तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि हम किसी और को दें या बेचें, हमें फिल्म या कोई वेब सीरीज बना के बेचनी नहीं है। अगर हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है, भाई का प्लेटफॉर्म है, तो हम यहाँ रिलीज करेंगे जी। और मैं एक और बुंदेली इकलौती भाषा है जिसको पूरे हिंदुस्तान में बड़े चाव से सुना जाता है, देखा जाता है, लेकिन उसे पहचान नहीं मिली आज तक बुंदेली भाषा के बारे में। जैसे आप लोगों, अगर मैं पूछूं कि आप लोगों ने बड़ी बड़ी फिल्में देखी होंगी, बैंडेड क्वीन देखी किसी ने? हाँ। हाँ। सर प्योर ठेठ बुंदेली फिल्म है। पान सिंह तोमर देखी है जी? प्योर बुंदेली फिल्म है। सोन चरैया देखी है सर? भाभी जी घर पे देखी है? टीवी जी कम से कम आज की डेट में 10 शो ऐसे हैं जो बुंदेली भाषा पर बेस्ड हैं और टॉप पे हैं। चाइना गेट तो सबने देखा होगा, एक डायलॉग है, ए मास्टर अगर ये खपड़िया में तनक सो दिमाग दो हो तो काय खोआउते इन पत्थरन के बीच मरबे, आज मिलेगा फौजी का भी मिलेगा।